हेलो दोस्तों, मैं मयूरी और मेरी किचन में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नए तरीके का फल दिखा रही हूँ जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ ही बहुत ही लाभकारी है, जिस फ्रूट का नाम है ड्रैगन फ्रूट। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके फायदे। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नए तरीके का फल दिखाने जा रही हूँ जो स्वादिष्ट, खट्टा एवं जूसी फल है। इस फल का नाम ड्रैगन फ्रूट है। यह फल मेक्सिको, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, यूएस एवं ऑस्ट्रेलिया की उपज है। ड्रैगन फ्रूट को पिटाया एवं स्ट्रॉबेरी पेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह फल 100 ग्राम टू 600 ग्राम तक पाया जाता है। अब हम इस फल को खाने का तरीका देख रहे हैं। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, इसमें थोड़ा सा वाटर लेंगे और थोड़ा सा नमक। इसमें इस फल को अच्छी तरह से साफ करेंगे, अच्छे से क्लीन कर लेंगे। सबसे पहले हम फल का सामने का हिस्सा इस तरह से कट करेंगे, फिर इस तरह से पीछे का हिस्सा कट करेंगे, इस तरह से काट देंगे। अब हम इसको दो भागों में इस तरह से कट करेंगे। ज़्यादातर यह फल लाल एवं सफ़ेद रंग में पाया जाता है। देखिए, यह फल विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह फल डायबिटीज़ एवं कैंसर रोगियों के लिए लाभकारी है। इस फल का लगातार सेवन करने से डाइजेशन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन एजिंग, हार्ट, बोन सभी में लाभकारी है। देखिए, अब हम इसको हाथों की मदद से इस तरह से मूव करेंगे और इस फल को इस तरह से सीधा निकाल कर हम प्लेट में इस तरह से हम सारे फलों को इस तरह से अलग कर लेंगे। यह फल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस फल को बहुत लोग सलाद के रूप में खाना पसंद करते हैं, तो आप कुछ लोग जूस या शेक बनाकर खाना पसंद करते हैं। आप इसको जिस रूप में चाहे खा सकते हैं। देखिए, अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, इस तरह से छोटे छोटे इस तरह पीस पीस कट करेंगे। ये स्वाद से भरपूर फल है, इसका सेवन आप लोग जरूर करें। ये जितना फायदेमंद है उतना ही लाभकारी फल है। आप इसका जूस बना कर पिए या यूं ही सलाद के रूप में सेवन करें, सभी रूप में लाभकारी है। देखिए, हम चाट मसाला या ब्लैक पेपर या ब्लैक सॉल्ट के साथ खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ड्रैगन फ्रूट बहुत ही लाभकारी फल है। इस फल को आप खाएं और फीडबैक दें। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल मयूरी किचन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा शेयर करना ना भूलें। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नई रेसिपी और नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।